मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में बीएससी सेकेंड ईयर के तथा एमएससी के जियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए स्ट्रेटिग्राफी पेपर से संबंधित टॉपिक भीलवाड़ा महासंघ या भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले के एक व्याख्यान में स्ट्रेटिग्राफी के ही तहत प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी ऑफ राजस्थान पर हमने चर्चा की थी, और जब हमने प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी ऑफ राजस्थान की चर्चा की तो उस व्याख्यान में प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी के जो स्ट्रेटिग्राफिकली टाइम स्केल में जो सुपर ग्रुप हमने डिस्कस किए थे इन ब्रीफ, उनमें भीलवाड़ा सुपर ग्रुप सबसे पुराने चट्टाने जो राजस्थान में पाई जाती है उससे संबंधित इस भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज के इस व्याख्यान में भीलवाड़ा महासंघ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग कलर्स में चट्टाने दिखाई गई है उसमें नीचे सबसे नीचे जो है वो बीजीसी की चट्टाने दिखाई गई है और उसके ऊपर भीलवाड़ा सुपर ग्रुप की चट्टाने दिखाई गई है। तो ये दोनों जो बेसमेंट रॉक्स हैं उनको हम इस नक्शे में देख सकते हैं, और ये जो चट्टाने हैं वो 2500 यानी 2500 मिलियन ईयर्स, हिंदी में अगर बात करें तो 250 करोड़ वर्ष से पूर्व यानी 2500 मिलियन ईयर्स, या हिंदी में कहें तो 250 करोड़ वर्ष से भी अधिक पुरानी चट्टाने हैं। इस राजस्थान के मैप में ये आद्य महाकल्प की सेलें अर्थात ये जो भीलवाड़ा महासंघ की चट्टाने हैं जिसमें हमने बीजीसी और भीलवाड़ा सुपर ग्रुप पिछले नक्शे में हमने जो देखा उन दोनों को समाहित करते हुए आद्य महाकल्प काल की होने के कारण इन चट्टानों को इस राजस्थान के मैप में यहाँ दिखाया गया है। ये भीलवाड़ा सुपर ग्रुप जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे उसका टेबुलर क्लासिफिकेशन यहाँ अंग्रेजी में आपको दिखाया गया है। इसमें आप देखिए नीचे ये आर्कियन एज की चट्टाने हैं जो बेसमेंट में हैं, और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं जैसा कि कई बार मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटिग्राफी में हम टेबल को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। नीचे का मतलब जो नीचे जो टेबल में दिखाया गया है बताया गया है वो बेसमेंट रॉक है, ओल्डर रॉक्स हैं, और जो जो हम टेबल में ऊपर की तरफ जाते हैं वो कंपेरेटिवली यंगर एज की रॉक्स आती रहती है। तो जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है भीलवाड़ा सुपर ग्रुप की जो चट्टाने नीचे जो हैं वो आर्कियन एज की हैं और ऊपर जो हैं वो लोअर पेट्रोजोइक एज की हैं। ये क्लासिफिकेशन एस एन गुप्ता और उनके सहयोगियों ने 1997 में दिया था। GSI के मेमोर में इसका पूरा उल्लेख किया गया है। अब अगर हम इसके टेबुलेशन को देखें तो इसमें आप देखेंगे कि नीचे जो हैं यहाँ हिंडोली ग्रुप, उसके बाद यहाँ मांगलवाड़ कॉम्प्लेक्स, और मांगलवाड़ कॉम्प्लेक्स में भी आप देखें तीन सेक्टर हैं, भीलवाड़ा सेक्टर, मंडो की पाल सेक्टर और सरारा सेक्टर। इन तीनों में इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया गया है, और यहाँ जब हम लास्ट में आते हैं तो यहाँ देखते हैं हम सेंडमाता कॉम्प्लेक्स। ये सारी जो क्लासिफिकेशन का नीचे वाला पार्ट है इसको आर्कियन एज का माना गया है। इनके बाद यहाँ आप यहाँ इस एरिया में आप देखिए इंट्रूजिव्स के बारे में बताया गया है जिसमें बैराज ग्रेनाइट, उंटाला और गिंगला ग्रेनाइट, कुछ अल्ट्रामेफिक्स,
ये वो चट्टानें हैं जो राजस्थान में सर्वाधिक पुरानी चट्टानों में सम्मिलित की गई है। इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ लोअर प्रोटोजोइक्स काल की चट्टानें आ जाती हैं, जिसमें हम यहाँ जहाजपुर ग्रुप और ऊपर रणथंभौर ग्रुप, और जहाजपुर ग्रुप के आगे इधर समकक्ष टेबल में आप देखिए यहाँ पर राजपुरा दरीवा ग्रुप, पूर्व बनेरा ग्रुप और सावर ग्रुप। तो इस तरह से इनको क्लासिफाइड गुप्ता तथा उनके सहयोगियों ने 1997 में किया था। राजस्थान में पृथ्वी की मूल ठोस ग्रेनाइट प्रॉपर्टी यानी जो ग्रेनेटिक क्रस्ट है की अवशेष चट्टानें बैंडेड नाइसिक कॉम्प्लेक्स के नाम से मानी जाती थी। हैरन ने जब प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी ऑफ राजस्थान का क्लासिफिकेशन दिया तब उसने बेसमेंट रॉक को BGC यानी बैंडेड नाइसिक कॉम्प्लेक्स नाम दिया था। अर्थात राजस्थान में पृथ्वी की मूल ठोस ग्रेनाइट प्रॉपर्टी की अवशेष चट्टानें BGC या बैंडेड नाइसिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जानी जाती थी, जो अरावली महासंघ से भी पुरानी थी। जैसा अभी मैंने आपको पहले बताया 2500 मिलियन ईयर से भी ज़्यादा पुरानी चट्टानें। इन्हें वर्तमान में भीलवाड़ा महासंघ के नाम से जाना जाता है। प्राचीनतम चट्टानें प्रदेश के मध्य मैदानी भागों में मिलती हैं। उंटाला व गिंगला तथा वल्लभ नगर जयसमंद ग्रेनाइट चट्टानों की आयु 300 करोड़ वर्ष तक आंकी गई है, इसलिए ये राजस्थान की सबसे पुरानी चट्टानों में इनको शामिल किया गया है। ये चट्टानें इससे भी पूर्व काल की आधार नाइस में अंतर्वेदित मिलती हैं, यानी 3000 मिलियन ईयर्स ओल्ड का आसपास का इनका कालखंड, और ये भी उन नीस में इंट्रूडेड है। अर्थात वो जो नाइस है वो इससे भी और अधिक पुरानी काल की है। ये चट्टानें इससे भी पूर्व काल की आधार नाइस में अंतर्वेदित मिलती है। नाइस ग्रेनाइट अल्प और अधिसिलिक चट्टानों के धारीदार और पट्टीदार मिश्रण के कारण इसे कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया था। इन चट्टानों के कायांतरण की कोटि के आधार पर इन्हें सेंट माता कॉम्प्लेक्स तथा मंगलवार कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, जो अभी मैंने आपको पहले टेबल में क्लासिफिकेशन के दौरान बताया। इन चट्टानों के कायांतरण की कोटि के आधार पर इन्हें सेंट माता कॉम्प्लेक्स और मंगलवार कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा महासंघ की चट्टानों की आयु 250 करोड़ वर्ष मानी गई है, अर्थात 2500 मिलियन ईयर्स। ये चट्टानें दक्षिण में पीपल खुंड जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है से उत्तर में डेई जो कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है तक करीब 400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, और इनकी चौड़ाई भी बदलती रहती है। इनकी चौड़ाई दक्षिण में कुछ किलोमीटर है लेकिन मध्य में भीलवाड़ा के पास इनकी चौड़ाई 130 किलोमीटर तक हो जाती है। भीलवाड़ा महासंघ में जो डोमिनेटिंग रॉक्स मिलती हैं उसमें संगुटिकास में यानी कॉन्ग्लोमरेट, मेटाग्रेवेट, संगमरमर यानी मार्बल, कैल्क सिलिकेट, कैल्क सिस्ट, कैल्क नाइस, पैरा एम्फोबोलाइट, माइका सिस्ट, काइनाइट सिलिमेनाइट सिस्ट, बेसिक व मेटावोल्केनिक्स, मिग्मेटाइट्स, ग्रेनाइट्स, ग्रेनाइट नीसेज, ग्रेनोडायराइट्स, चार्नोकाइट्स, नोराइट्स, डॉलराइट और अल्ट्रामेफिक चट्टानें। ये इस प्रकार की विभिन्न विभिन्न प्रकार की चट्टानें इनमें पाई जाती है। भीलवाड़ा महासंघ की मिग्मेटाइट चट्टानों को मंगलवाड़ और सेंट मार्था कॉम्प्लेक्स में बांटा गया है, जो टेबल में आपको पहले बताया। ये क्रमशः एम्फीबॉल और ग्रेनोलाइट सलक्षणी का कायांतरण दर्शाती है, यानी कि ये जो चट्टानें हैं अगर हम मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो मेटामॉर्फिक फेसिस जो होती है सलक्षणी जिसको हमने हिंदी में कहा, तो ये चट्टानें एम्फीबॉल और ग्रेनोलाइट फेसिस का मेटामॉर्फिज्म शो करती है। सेंट मार्था कॉम्प्लेक्स की भीम भिनाई क्षेत्र में मिलने वाली चार्नोकाइट, पायरोक्सिन और अन्य कायांतरित अल्प सिलिक चट्टानें संभवतः प्राचीनतम चट्टानें हैं। इस महासंघ में अनेकों बार अधिसिलिक और अल्प सिलिक आग्नेय चट्टानों का अंतर्वेदन और बहिर्वेदन हुआ, यानी इंट्रूजन और एक्सट्रूजन। इस महासंघ को 8 समूहों में विभक्त किया गया है। प्रथम 3 समूह हिंडोली समूह, मंगलवाड़ कॉम्प्लेक्स तथा सेंट माता कॉम्प्लेक्स समकालीन आद्य महाकल्पीय यानी आर्कियन एज की, तथा बाद के 4 समूह
राजपुरा दरीबा, पूर्व बनेरा, जाजपुर और सांवर को समकालीन निम्न प्राग्जीविकल्प लोअर प्रोटेरोजोइक्स। टेबल में जब मैंने आपको बताया था नीचे वाली चट्टाने आर्कियन एज की और जो जो टेबल में ऊपर गए वो लोअर प्रोटेरोजोइक्स एज की, वो बात यहाँ वापस हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। रणथंभौर समूह को अलग से इसमें जगह दी गई। इंडोली समूह का नामकरण बूंदी से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित गांव भिंडोली से लिया गया। स्टेटिग्राफी में जब क्लासिफिकेशन देते हैं हम तो उसमें जो फॉर्मेशन, ग्रुप, स्टेजेज, सीरीजेज, इन सब का नामकरण अमूमन उस क्षेत्र के आसपास के गांव, कोई पहाड़, कोई नदी, कोई जनजाति, उसके आधार पर किया जाता है। तो यहाँ इसमें हम देख रहे हैं कि हिंडोली समूह का नामकरण बूंदी से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित गांव हिंडोली से लिया गया। इसमें मुख्यतः शैल, स्लेट, फिलाइट, माइकासिस्ट, मेटाग्रेवाइट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ये चट्टानें पाई जाती है डोमिनेटिंग रॉक्स के रूप में। हिंडोली समूह को भदेसर, सुजानपुरा तथा नागोली शैल समूहों में आगे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। इसी तरह मंगलवाड़ कॉम्प्लेक्स में जो डोमिनेटिंग रॉक्स पाई जाती हैं वो मिगमेटाइट, सिस्ट, फिलाइट, ग्रेनाइट, नाइस, क्वार्ट्जाइट, एम्फिबोलाइट, डोलोमाइट और मार्बल। इन चट्टानों को हेरन ने बेंटन नाइसिक कॉम्प्लेक्स नाम दिया था। इस कॉम्प्लेक्स को 7 सेल समूह अर्थात लसाड़िया, केकड़ी, सराडा, मांडोकीपाल, सुवाना, पोटला और राजमहल सेल समूह में फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। तो ये इन चट्टानों को पूर्व में हेरन ने बीजीसी में सम्मिलित किया था। उस समय भीलवाड़ा सुपर ग्रुप का क्लासिफिकेशन हेरन के टाइम में उन्होंने नहीं दिया था, बाद में जीएसआई ने जब सब्सिक्वेंटली इसको रिक्लासिफाइड किया तो ये भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से यहाँ पर सम्मिलित की गई। सेंडमाता कॉम्प्लेक्स आमेड से किशनगढ़ तक लगभग 200 किलोमीटर लंबाई तथा कालागुमान व देलवाड़ा लिनियामेंट के बीच करीब 50 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। हेरन ने इन्हें भी बीजीसी में शामिल किया था। इसे शंभूगढ़, बदनौर और बारांच सेल समूह में फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण आगे है वो है राजपुरा दरीबा, जहाँ पर मेटलिक डिपॉजिट्स मिलते हैं। राजपुरा दरीबा समूह की चट्टाने मुख्य रूप से रासायनिक उत्पत्ति वाली तथा खंडित शैल हैं तथा भिंडर से उत्तर में धोर तक लगभग 100 किलोमीटर लंबाई और 2.5 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई है तथा एम्फीबोल संलक्षणिका का कायांतरण दर्शाती है, अर्थात ये रॉक्स एम्फीबोल फेसिस का मेटामॉर्फिज्म शो करती है। इस संघ में डोलोमाइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीस्ट, क्वार्ट्जाइट और चर्ट डोमिनेटिंग रॉक्स के रूप में मिलती हैं। लेड और जिंक के जमाव इन चट्टानों के साथ मिलते हैं, सस्ता, जस्ता और सीसा के जमाव। राजपुरा दरीबा संघ को 5 सेल समूह अर्थात बिंडर, मालीखेड़ा, दरीबा, सिंदेसर और सतदुलिया सेल समूह में फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। पूर्व बनेरा समूह बनेरा के दक्षिण से समोदी तक लगभग 80 किलोमीटर लंबाई और 3 से 12 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। इसको भी 5 सेल समूह यथा पूर, रेवारा, तिरंगा, समोदी तथा 5 सेल समूह में फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। जहाजपुर समूह नंदराय के 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व से नैनवा, जो कि टोंक जिले में है, तक करीब 110 किलोमीटर लंबाई में और 500 मीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसकी चौड़ाई बदलती रहती है। तो 2 किलोमीटर जाजपुर समूह नंदराय के 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व से नैनवा तक करीब 110 किलोमीटर लंबाई में और 500 से लेकर 808 किलोमीटर तक की चौड़ाई में विस्तृत फैला हुआ मिलता है। इस संघ की चट्टाने ग्रीन सिस्ट संलक्षणिका का यंत्रण दर्शाती है, अर्थात ये जो चट्टाने हैं वो ग्रीन सिस्ट फेसिस का मेटामॉर्फिज्म शो करती है तथा यह समूह चुलेश्वर जी, झीकरी और उमर सेल समूह में फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। इस समूह में लेड, जिंक और कॉपर के सहजनिक निक्षेप मिलते हैं। उस हिसाब से इसका आर्थिक महत्व जियोलॉजी में हम देखते हैं। सावर समूह
उत्तर में बजीटा से दक्षिण में सांवर तक करीब 13 किलोमीटर लंबाई तक और 3 से 5 किलोमीटर की चौड़ाई में फैलाव लिए हुआ है तथा इसे गटियाली एवं मोरही सेल समूह में फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। रासायनिक उत्पत्ति अपचायक वातावरण में यानी रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में निक्षेपण तथा सल्फाइड के जमाव के फलस्वरूप इस समूह को पूर्व बनेरा, राजपुरा दरीबा तथा जहाजपुरा समूहों के समकक्ष रखा गया है। अब रणथंबोर समूह, रणथंबोर समूह बड़ी सादड़ी से मांडलगत होते हुए सवाई माधोपुर तक करीब 200 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। मुख्य सेल इसमें जो डोमिनेटिंग रॉक्स हैं वो हैं क्वार्टजाइट, स्लेट और फिलाइट, और ये जो रॉक्स हैं निम्न कोटि का कायंत्रण यानी लो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म शो करती हैं। इस समूह को 3 सेल समूह अर्थात बड़ी सादड़ी, गोरा और मांडलगढ़ सेल समूह में बांटा गया है। ये सारा भीलवाड़ा महासंघ का वर्गीकरण है जो गुप्ता एंड नेटॉल ने अपने क्लासिफिकेशन में दिया, उसका विस्तार से हमने यहाँ आपके साथ चर्चा की। ये जो टेबल है वो इस लेक्चर के प्रारंभ में जो अंग्रेजी में आपको टेबल दिखाई गई थी उसी का हिंदी रूपांतरण है। इसमें आप नीचे देख सकते हैं आर्कियन की रॉक्स हैं और ऊपर जो हैं वो लोअर प्रोटेरोजोइक्स की रॉक हैं। इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान में हमने प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी ऑफ राजस्थान के जो बेसल पार्ट में सबसे पुराना जो भीलवाड़ा सुपर ग्रुप है जिसकी चट्टानें 2500 मिलियन ईयर्स यानी 250 करोड़ वर्ष से भी और अधिक पुरानी, लगभग 300 करोड़ वर्ष पुरानी जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों से, उन चट्टानों के क्लासिफिकेशन को भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से आज हमने इस व्याख्यान में आपके साथ इसकी चर्चा की। इस व्याख्यान से संबंधित असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा और इसी व्याख्यान की PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध कराई जाएगी। इनका अध्ययन करें और जो असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उसका उत्तर देकर घर बैठे अपने अध्ययन को यथावत चालू रखें।